हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो लोंडो कैसे हो? तो भाई साहब, मेरे मन में काफी दिन से ख्याल आता कि भाई अगर ये हो जाता तो क्या होता, और ये होता तो गाइस क्या होता। भाई उनमें से गाइस एक एक्सपेरिमेंट है भाई साहब, H2 लेकर। और भाई ये हर घर में मिल जाता है, मोस्टली इंडिया में हमारे। तो भाई कोई कोई बंदा हो जो गाइस ऐसा ना जानता हो भाई साहब। और भाई इसका रंग देख कर आप पहचान सकते हो, थोड़ा सा गधे की मूत जैसा लगता है। ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन भाई मैंने कसम से आज तक नहीं देखा भाई गधा कैसे सूसू करता है। ठीक है, खैर जो बात है, हम कोई पीली दवाई खा लेते हमारे साथ भी ऐसा हो ही जाता है। खैर जो बात है भाई साहब, तो भाई ये जो एक्सपेरिमेंट गाइस ये कोई भी ना करे प्लीज, ठीक है, क्योंकि इस मुझे नहीं पता भाई होने के वाला है। लेकिन भाई फिर भी ये भाई साहब बच्चों के खेलने की चीज तो नहीं है डेफिनेटली। तो भाई ये आपको यहाँ रखते हैं और भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब मैं करने के वाला हूँ, देखो भाई साहब काफी लोग कमेंट थे, अभी तो फिलहाल नहीं आते थे, पहले बहुत आती थी कि सर फ्लक्स बनाइए, पेस्ट बनाइए, जो सोल्ड लगाने फ्लक्स होता है ना। मैंने कहा काफी सुना है लोगों मुझसे कि भाई इसमें एसिड होता है, एसिड होता है। चलो भाई आज ट्राई करते हैं, आज एसिड का यूज करते हैं। चले भाई साहब फटाफट सोल्डिंग का मैंने खैर लगा दिया है, ठीक है, बल्कि गाइस ये बेचारा लगा ही रहता है। ठीक है, तो भाई बड़ी गौर समस्या है गाइस, प्लीज आप मुझे एक आईडी दें। देखो भाई साहब मैं चाह रहा हूँ भाई साहब ये दीवार नहीं वाली, देखो भाई ये जो ब्लैक है जो आई थिंक इन्हें अकोस्टिंग फॉर्म कहते हैं, तो भाई मैं चाह रहा हूँ इसे सारे को जो मैं अकोस्टिंग फॉर्म लगा दो पीछे, ठीक है। और गाइस ये वाली नहीं जो चौकोर खाने वाली आती है, तो गाइस प्लीज कमेंट कर बताइएगा। और भाई वैसे यार ब्लैक कलर अच्छा लगता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो भाई हम बोर हो गए, अब गाइस मैं सोचो भाई एक प्लान कर रखेंगे, कलर चेंज करके मजा नहीं आएगा। हाँ, अगर गाइस हमें कलर चेंज करना होगा तो गाइस हम पीछे का पर्दा लगा सकते हैं। चले भाई साहब फटाफट हो गाइस, मेरे पास अलग अलग टाइप के फ्लैक्स हैं। तो भाई मिल गया एक, तो भाई ये रहा जो कि भाई साहब ये एल्युमिनियम सोल्डिंग फ्लैक्स है, और भाई एक ये रहा ये रेजिन बेस्ड फ्लक्स है, और भाई एक सबका चाहता गरीबों का मसीहा 10 रुपए का आता है सिर्फ, ये रहा भाई साहब क्विक फिक्स सोल्डिंग फ्लक्स। ये भाई साहब डिब्बी कितनी बार हो नहीं पी सकती, और भाई ऐसे नहीं खुलती, ये भाई साहब ऐसे नहीं खुलती, ये भाई साहब मैं बताऊंगा कैसे खुलेगी। भाई साहब पहले हमें लगाना पड़ेगा ऐसे, और भाई साहब ये देखो आवाज आई, देखो भाई साहब आवाज आई, वाह देखो भाई साहब ये भाई कान का मैल जो बात है, मैंने काफी गाइस भर लिया है इसके अंदर, ठीक है। तो भाई जरूरत नहीं है आपको मार्केट से लाने की, इतना सारा गाइस आपको प्रकृति ने दिया, नेचर ने दिया, भाई इसका यूज क्यों नहीं करते, निकालो कान में गाइस लगा दो भाई, वैसे भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती यार, हल्का फुल्का एक तार डालो और भाई सोल्डिंग कर लो, मत करना भाई साहब। चले भाई साहब फटाफट काम स्टार्ट करते हैं। तो भैया सोल्डिंग रहेंगे अपना ऊपर, गाइस मैं अच्छे टेस्टिंग करूंगा कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, होगा तो गाइस आपको जरूर बताऊंगा, और भाई नहीं होगा तो गाइस जरूर बताऊंगा। फिर भी भाई प्लीज गाइस आपको ये टेस्ट नहीं करना घर पर। अब जानते हो गाइस इसकी खासियत क्या है, भाई ये जला सकता है, ठीक है, ठीक नहीं है, बल्कि गाइस बच्चों की पहुंच से तो दूर रखो बच्चों, तो भाई ये बताओ मत ना ये है क्या आवाज। हाँ ये कह सकते हो भाई बेटा ये थोड़ी सी रेंज चीज है तो इससे दूर रहना है, लेकिन कोई इससे एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो भैया एक फ्लक्स ये रहा, ठीक है, और भाई साहब एक फ्लक्स ये रहा, अवॉइड इनहेलेशन ऑफ, मतलब सूंघे होंगे ना भैया इसके धुएं से दूर रहे, वेंटिलेशन होना जरूरी है, मेंटेन भाई ड्यूरिंग सोल्डरिंग, अवॉइड कॉन्टेक्ट फ्लक्स विद स्किन आइस एंड केस ऑफ वाइप इमीडिएटली वॉश ऑफ एंड वाटर, नो लायबिलिटी एक्सेप्टेड फॉर एक्सीडेंट अराइजिंग इन हैंडलिंग और इन यूज। तो भैया कंपनी कोई गारंटी नहीं ले रही, कह रही कि भाड़ में जाओ हमें कोई मतलब नहीं, तुमने हमारा प्रोडक्ट ले लिया दफा हो जाओ, मुझे पता कि तुम दुआ लोगे हम ही बनाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इस तरह का दिखता है पीले कलर का, पता है भाई ये सारे फ्लक्स पीले कलर के दिखते हैं, देखो भाई ये वाला पीला, ये वाला पीला, ये वाला पीला और ये भी पीला, लेकिन भाई पता नहीं कि भाई कौन सा पीला बनेगा, है ना, मतलब ये तो भाई है ही है, लेकिन भाई ये है ना है, ठीक है, वो अभी भाई चेक करेंगे। और गाइस मैं अलग अलग मटेरियल पर भाई चेक करने वाला हूं कि भाई काम करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो तरह का सोल्डिंग वायर, सोल्डर वायर, ठीक है। तो भाई मेरे पास है दो तरह का सोल्डर वायर, देखो भाई एक तो ये रहा भाई इसके अंदर ही फ्लक्स है, शायद गाइस आपको दिख जाए तो, देखो भाई दिख रहा है इसमें हल्का सा छेद, दिखा नहीं दिखा, देखो भाई साहब इसमें भाई हल्का सा, देखो यार दिख रहा, तो भाई इसमें हल्का सा लगा रहता है फ्लक्स। और भाई मेरे पास एक और है, देखो भाई साहब दुनिया का सबसे घटिया लानत पर लानत भेजा है डेली उठते का, इसमें 100 लानत से भेजता हूँ सोल्डर वायर पर। भाई यकीन मानिए ऐसा खरीद कर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है भाई साहब, इसके अंदर फ्लक्स नहीं है भाई, ये भाई काम नहीं करता बिना फ्लक्स के भाई, मतलब ऐसा लगाना पड़ेगा तब जाएगा ये काम करेगा, वरना भाई ये काम नहीं करता, भाई मैं क्या करूँ। तो भैया सोल्डरिंग करने के लिए हमें कुछ वायर की जरूरत होगी, तो गाइस भैया वायर तो गाइस मैं लेकर आऊंगा, लेकिन भाई हम करेंगे किस पर सोल्डिंग है, मतलब गाइस कोई बेस चाहिए मैं मजबूत सा, तो भाई मैं पहले बेस लेकर आता हूँ, क्योंकि गाइस आप जानते हो भाई बेबी को बेस पसंद है, अभी भैया को भी गाइस बेस पसंद है, इधर भाई काफी लोग मुझसे कमेंट करे सर प्लीज एम्पलीफायर बनाइए, होम थिएटर बनाइए, डीजे बनाइए, फला ढिमक बनाइए। खैर गाइस आपको भाई जरूर बनाएगा। तो भैया ये रही हमारी एक टीन कनस्तर की शीट, और भाई साहब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये रहा एक कनस्तर, तो हम क्या करें इसमें से थोड़ा सा एक टुकड़ा काट लेंगे, जिससे भाई हम इतना सोल्डिंग कर सके आपको दिखाने के लिए। और गाइस ये है मेटल यानी कि लोहे का है भाई, और इस
तो गाइस आराम से सोल्डिंग हो जाती है। तो भाई एक एक करके मैं चेक करूंगा। तो भाई ये रहा ठीक है। अभी आप गाना सुनोगे पंकज उदास के मुंह से, जस्ट चियो चियो जस्ट चियो चियो के मैं चिल्ले के मैं समझ में आती है। तो भाई देखो, एक तो ये रहा भाई जो की भारती का है, जो कॉमेडी सर्कस में उसकी कंपनी है भारती, वो बनाती है सोल्डिंग, वो बनाती है सोल्डिंग पेस्ट। भाई मजाक मत लेना, देखो मैं तो नाम पे जा रहा हूँ। देखो भाई क्या धुआं है। तो भाई इससे मैंने लगाया भाई साहब, अरे है क्या सोल्ड भैया भाई साहब, बाबा रे बाबा। और भाई ये रहा एक वायर, सिंपल सी बात है हो ही जाएगी है ना, इससे तो गाइस हम करते हैं, लेकिन फिर यार मैं आपको दिखा दूं भाई क्या होता है ठीक है ना। तो ये लगाया मैंने और भाई साहब ये लगाया मैंने, देखो भाई साहब है मस्त तो सोल्डिंग हुई जो बात है गाइस, मतलब मजा सी आ गया ठीक है। देखो भाई ये भाई बिल्कुल बेहतरीन सोल्डिंग हुई है बाबा, मतलब बाबा नहीं वैसे मतलब बाबा ऐसा वाला बाबा। चलो भाई मैं ऐसे निकालता हूँ ठीक है। अब आते हैं गाइस इसे काटने पर। तो भाई अलग अलग टूल हम यूज कर सकते हैं ठीक है, वल्ला हबीब। अब गाइस इसे देखते हैं भाई, इसे मैं लगा लेता हूँ। देखो भाई ये लगा तो देता है, लेकिन भाई देखो ये लगा तो देता, लेकिन भाई इसका जो सोल्डिंग होती है ये कमजोर होती है। देखो ला रखा मैंने, देखो ये भाई कमजोर करता है, देखो मतलब भाई इसकी अच्छे से पकड़ नहीं होती। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, पहला बार को छीलेंगे और भाई इससे लगाएंगे इस पर ठीक है। देखो तो पेस्ट नहीं है समर, कैसा करेगा भैया, गड़बड़ मत कर यार। नहीं भाई कोई गड़बड़ नहीं, भाई कोई गड़बड़ गाई नहीं चलेगी, लगभग ठीक ठाक सा लग गया, ऐसी बात नहीं है, मतलब एकदम से नहीं पकड़ता ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर पेस्ट है ही नहीं, फ्लक्स है ही नहीं इसके अंदर। तो अगर समर भाई तो क्या करा है, फ्लक्स फ्लक्स क्या बवाल चीज है। तो मैं इसे छुटा के देखता हूँ, छुटेगा तो नहीं यार, मजबूत है ओह छूट गया, छूटा नहीं है तार टूट गया। तो भाई ये भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई ये वाले यूज करने की जरूरत है नहीं ठीक है, क्योंकि आप जनता भाई ये काम करेंगे करेंगे ना। और गाइस मैं अपनी पिछली वीडियो में इनका टेस्टिंग करा के दिखा दिया, तो गाइस मैं इस वीडियो में नहीं कराने वाला, क्यों ऐसा आप जानते हो। तो भैया टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है गाइस, जो टॉपिक है उस पर चलेंगे सीधा गाइस आते हैं अपने एसिड पर। तो गाइस एसिड में भैया ये पूरी बोतल भरी पड़ी है भैया एसिड से। तो गाइस मेरे पास एक जुगाड़ है, निकाल लेंगे इस तरह थोड़ा सेफ्टी। तो भाई देखो ये यार एक सिरिंज, तो भाई मैं सिरिंज को यहाँ से निकाल लेता हूँ, भाई मैं यही लगा रखता हूँ। और भाई इसका जो ना मुंह मैंने काट रखा है, इससे चुप है, डर लगता है भाई साहब डर। प्लीज दोस्तों बच्चे दूर रहे ना करें इस काम को। तो भैया मैं कैमरा थोड़ा ऊपर रख देता हूँ, भाई से डालता हूँ और भाई साहब पप्पी सा निकालता हूँ बस थोड़ा ठीक है। और भाई साहब तुरंत हैंड टू हैंड से निकालते हैं, भैया ऐसा रखता हूँ मैं नीचे भैया अपनी पहुंच से परे। और भाई साहब इसमें लगाते हैं फटाफट ये नीडल। और भाई से किन माने अगर ये काम किया भी ना तब भी गाइस मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करता, रिकमेंडेड मैं आपको सलाह नहीं देता कि भाई साहब इसका यूज करो, हिंदी बोल देनी चाहिए सबसे बेस्ट है भाई, बहुत अच्छी लैंग्वेज। तो अब लगाते हैं भाई साहब इस पर, ये है भाई साहब एसिड बहुत प्यार से। देखो भाई एक एक बूंद देखो इसमें लगाया, देखो भाई इसमें भी लगा दे, चलो थोड़ा सा हाथ इसमें लगा लेते हैं ठीक है। तो भाई साहब मैं थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ ठीक है। तो भाई यहाँ मैंने इसे लगा दिया ठीक है। तो भाई साहब हम क्या करेंगे, पहला भाई इस पर ट्राई करते हैं आगे। देखो एकदम से भाई धुआं निकलेगा, लेकिन प्लीज दोस्तों आंखों आंखों पर नहीं लगनी चाहिए और सांस में नहीं जाना चाहिए। आप जानते हैं घंटे के लिए सांस रोक सकता हूँ, उसके बाद गाइस मेरा पता नहीं भाई मैं उठूं ना उठूं। तो भाई साहब अरे बाप रे काफी स्मेल आ जाएगा इस, एक घंटे को छोड़ा यहाँ तो 5 सेकंड की सांस में रुकी, लेकिन भाई जो बात है यार मुझे लगता है कि भाई ये अच्छा हो गया है। देखो भाई साहब अच्छा इन्होंने काम किया है जो बात है ना। देखो भाई इस पर गाइस मैंने एसिड लगा रखा है आपको जानते हो, फिर भी गाइस मैं एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ ठीक है। और भाई साहब इसे लगा के देखते हैं, और भाई साहब देखते हैं क्या होता है। तो एकदम से भाई धुआं निकलता है जो बात है, वाह देख रहे हो। और इस पर लगा के देखते हैं हाथ बात, तो भाई ठीक है देखा जाए तो गाइस अच्छी सोल्डिंग इस पर तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई मजबूत हुई है जो बात है सोल्डिंग। तो भाई ये जो टेक्निक है काम तो करती है, कुछ भी नहीं किया गाइस हमने ना, मतलब थोड़ा बहुत हमने किया है, हमने इस पर एसिड लगाया। देखो भाई तो उसका आप जॉइंट देखो, मतलब जॉइंट भाई सही लगाया देखा जाए तो, और ऐसा खींचो ना अगर मैं नहीं भाई सर नहीं छूट रहा। अब क्या करते हैं गाइस, अब हम करते हैं भैया एल्युमिनियम शीट पर एक्सपेरिमेंट, भाई बनता है। तो भैया थोड़ी सी बड़ी बड़ी हल्की सी गाइस क्या करेंगे, हल्की से कट कर लेंगे, क्योंकि भाई अगर सारे पर सोल्डर लगाऊंगा ना तो गाइस सारा सोल्डर ठंडा हो जाएगा, तो गाइस हीट इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, तो गाइस ये काम नहीं करेगा। तो भैया इतना सा हमने पीस ले लिया है। तो भाई पहले गाइस हम क्या करते हैं कि भाई हम जो ना इस पे ऐसे लगाते हैं, देखो भाई इस पर ये रहा, ये भाई भारतीय का है, तो भाई इस पर काम नहीं कर रहा, इस पर नहीं कर रहा, बल्कि गाइस थोड़ा सा इस पर पेस्ट ही चिपक गया ठीक है। और गाइस मैं अपने कच्चे से तो फटाफट साफ कर देता हूँ। हरे रंग का कच्चा कौन पहनता है, आपका भाई पहनता है गाइस, ग्रीन एनर्जी। थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा सा घिस लेते हैं ना, घिसने देगा फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, कभी कभी नहीं हो पाती सोल्डिंग तो हम घिस के काम कर सकते हैं। पहले गाइस ये वाला लेते हैं जो कि एल्युमिनियम का ही है ना, एल्युमिनियम सोल्डिंग फ्लक्स, भाई इससे भी दूर रहे, ये सब चीजें गाइस आप जानते हो भाई केमिकल लोचा है, तो गाइस वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सेफ है उससे, जो एसिड है ना उससे तो गाइस काफी सेफ है, हाथ पर लग गया ना तो ये कोई दिक्कत नहीं करता। लेकिन भाई इसके अंदर भी है, देखो इसके अंदर ऐसी धुआं उठेगा भाई, ऐसी इसके अंदर स्मेल भी आती है एसिड जैसे जैसे भी चलता है ना। देखो भाई साहब दादा कर दिया, अरे है कितनी बड़ी स्मेल आ रही है भाई साहब, इसने काफी अच्छे खूबसूरत से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है भाई, एल्युमिनियम पे किया, देखो यकीन नहीं हो रहा गाइस आपको, कर लो क्यों गाइस हो चुकी है। तो भाई
इस पर हमने लगा दिया। चलो ठीक है, मतलब हो गया काम, जो बात है ना। तो भाई इस पे सोल्डिंग हो जाती है, लेकिन भाई आपको चाहिए फ्लक्स, और भाई इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा डेफिनेटली, तो भाई वहां जाकर खरीद सकते हो। तो भाई यहाँ पर मैं तो थोड़ा सा घिस लेता हूँ पहले। देखो भाई साहब, भाई आंखों से दूर रखना इसे, देखते भाई क्या होता है। लोहे पे तो इसे काम करता है एसिड, लेकिन भाई पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। देखो ये भी ऐसे धुआं उठाएगा, नहीं किया। बर्खदार बिल्कुल जहर पड़ने की सारी हदें पार इन्हें कर दी है, नहीं किया। अब भाई साहब इसी पर ये लगाते हैं, ठीक है ये वाला लगाते हैं। तो भाई देखते हैं काम करे नहीं करा। नहीं भाई साहब ये अब नहीं काम करेगा, क्योंकि भाई साहब एक लेयर चढ़ गई है एसिड की इसके ऊपर। तो भाई मैं इतने अच्छे से काम कर लेता हूँ, ग्रीन एनर्जी आप जानते हो भाई, याद रखना इस चीज को। तो अब देखते हैं भाई ट्राई करके क्या होता है, होगा तो नहीं। भाई ये एरिया भाई बिल्कुल बेकार हो चुका है भाई, इस पर कोई अब सोल्डिंग नहीं कर सकता। हाँ ऐसा भाई हो सकता है कि घिस ले, है ना, घिस के दिखा दे यार, अगर समझ भाई घिस कर दिखा देता। अब भाई खुद की घिसी पड़ी हमारी, देखो भाई। हाँ तो भाई अभी ये साफ हो चुका है। हाँ अब भाई ये सोल्डिंग कर सकता है। तो भाई ये चीजें जो है ना सिर्फ मेटल पे काम कर सकती है, इस मेटल तेवी है, लेकिन भाई तो ये चीजें बस लोहे पे काम कर सकती हैं। और भाई देखते हैं जो भाई धुआं भाई कुछ ज्यादा ही निकलता है, तो भाई इस पर सोल्डिंग हो तो गई है, लेकिन भाई धुआं इससे बहुत ज्यादा निकलता है। तो प्लीज दोस्तों कोई वेंटिलेशन बाहर निकालने का रास्ता जरूर रखें। अरे भैया मान लिया गर्म बहुत हो रहा है, देखो भाई इस पर सोल्डिंग हो गई है। तो भाई साहब आपने देखा कि भाई जो एसिड है वो काम तो करता है, पर इतना अच्छा काम नहीं करता है कि भाई इमरजेंसी में काम कर सकता है, इमरजेंसी में इसमें कह रहा हूँ। लेकिन भाई ये एल्यूमिनियम पे काम नहीं करता, कॉपर पे हो सकता है इसी काम करे, क्योंकि इस कॉपर पे तो एक बार ट्राई करके देखें। मेरे दिमाग में खुराफात का आइडिया आ रहा है, खुराफात होता है, खुराफात इनके होता है। गाइस एंड करने से पहले एक बार इस पर ट्राई करते हैं बस, तो फटाफट गाइस करते हैं इसे, मतलब हमें इसे थोड़ा कट करना पड़ेगा, वरना गाइस हीट ट्रांसफर है, मैंने आपसे कहा था ना। तो भाई इसे थोड़ा ठीक है, और गाइस जो नॉर्मल फ्लक्स है ना वो तो गाइस मैं यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा मैं एसिड यूज करूंगा, ठीक है, जिससे गाइस आपको कंफर्म हो जाए कि भाई ये काम करता है नहीं करता कॉपर पर। और ऐसे लगा दिया है, ठीक है, देखिए इस पर रिएक्शन करता नहीं करता, इस पर गाइस लगता नहीं मेरे को रिएक्शन नहीं कर रहा है। और गाइस ये वही वाला सोल्डर है जिसमें गाइस फ्लक्स नहीं है अंदर, ठीक है। तो भाई जैसे होगा लाइव आपका सामने होगा भाई, देखो अरे वाह, देखो भाई साहब ये गाइस काफी गर्म हो रहा है, प्लायर थोड़ी है, प्लायर से पकड़ता हूं, देखो भाई साहब गर्म हो रहा भाई अभी, देखो भाई साहब भाई ने अच्छे से इसे पकड़ लिया है, और इसे छुटा के देखें एक बार जिससे भाई आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए। देखो भाई साहब ये भाई नहीं छूट रहा। तो भाई साहब कुछ भी मैंने अलग से ऐड नहीं किया, क्योंकि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं थे, ये बात नहीं है, मुझे दिखाना गाइस कि आपको एसिड से हो सकता है नहीं हो सकता, मतलब ये सोल्डिंग हो सकती नहीं हो सकती। तो गाइस फटाफट ब्लॉग का एंड करते हैं भाई साहब, जहाँ से हमने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी गाइस वहीं एंड करते हैं। प्लीज दोस्तों मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, ये एक्सपेरिमेंट आप ना करें, मार्केट जाके 10-20-50 रुपए का फ्लक्स ले, वो सेफ है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, इमरजेंसी है बाई चांस नहीं है, इमरजेंसी में आपको करना है, बाई चांस गाइस नहीं है, खत्म हो गया फ्लक्स या पेस्ट। अगर आप बड़े हो थोड़ा बचाव के साथ गूगल पहन के चश्मे उसमें पहन के हीरो बनकर और भाई फटाफट सोल्डिंग करें। तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और भाई जो बता गाइस ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा, आपको गाइस जो मन में क्वेरी था गाइस वो कुछ खत्म होगी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।